same like this planet. 199 real at a 4000 real error. So hello guys, namaskar, shobai ke kemon acho, ami bhalo achi. তো আজকে আমি বেঙ্গলিতে ব্লগ শ্যুট করব, কিন্তু আমি জানি না কি কত আমি বলবে পারবো, কিন্তু আমি ট্রাই করব। আর যদি আমি মিস্টেক করব তাই আমাকে ক্ষমা করে দে। সো আজকে আমি সিটি সেন্টারতে এসে গেছি উইথ রাকাশী রয়। আর আবি মে লাইক ওয়ান উইক সে ট্রাই কর রহা হুম বেঙ্গলি বলনে কা, আর উতনা আচ্ছা নেই বলে, কত ভালো আমি বলতে পারো না, কিন্তু আমি জাস্ট ট্রাই করলাম। তো থ্যাংক ইউ বস। सो अभी यहाँ पे आया हूँ मैं सिटी सेंटर में, और थोड़ा सामान लेना था उसके लिए आया हूँ। तो देखते हैं क्या सीन है, और सोचा था कुछ ब्लॉग व्लॉग शूट कर लेंगे उसी के लिए। और रही बात बंगाली की, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, वन वीक हो गया मेरे को सीखते हुए, और लाइक उतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ अभी ट्राई कर रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि एक बिलिंगुअल होना चाहिए राइट। सो एवरीवन शुड नो द डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल, सो दैट इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम इन फ्यूचर एज वेल। और अगर आप कोई दूसरी जगह पर जाते हो, दूसरे स्टेट पर जाते हो, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो वही चीज़ के लिए मैं थोड़ा ट्राई कर रहा था, और ये रहती है राकेशी, ये बंगाली में बोलती तो मेरे को भी एक हेल्प हो जाएगा। बट इसने मुझे अभी तक हेल्प नहीं किया है। मुझे एक बंदा है राजा, वो मेरा न्यू कलीग है, उसने मुझे हेल्प किया है। वो वन वीक से मेरे साथ बंगाली में बोल रहा था, सो दैट मैं उसकी जैसे बोल पा रहा हूँ अभी उतना, किंतु अभी ओतो भालो बोलते पारो ना। इतनी स्पीड में यहाँ से गाड़ी आ रही है, मेरा पूरा ध्यान खींच गया यहाँ पे पूरा, क्योंकि कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है राइट। देखो जब मैं नॉर्मल बंगाली बोलता हूँ ऐसे जैसे राकाशी या राजा के सामने, तो मतलब अच्छे से बोल पाता हूँ, बट इन फ्रंट ऑफ कैमरा आई लैक कॉन्फिडेंस। सो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम कि मैं अभी पूरा बंगाली में शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट बिलीव मी मैं अच्छा बोलता हूँ बंगाली मतलब ठीक ठाक बोल, अभी नहीं आ पाएगा राइट। ये कैमरा में जब शूट होता है ना, तो इसमें प्रॉब्लम होता है मेरे को, मतलब मुझे डर लगता है। बट अगर तू कैमरे में शूट कर रही है सपोज ना, और मैं सामने बैठा हूँ, बट आई डोंट नो अबाउट दैट यू आर शूटिंग द वीडियो, तो उस टाइम पे मैं मस्त मतलब अच्छा बोल सकता हूँ, बट इस टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। बट स्टिल आई विल गेट टू नो दैट यू आर शूटिंग अ वीडियो, सो आई कैन नॉट राइट। तो इसीलिए प्रॉब्लम होता है, अगर मुझे पता रहेगा कि कोई कैमरा मेरे लिए शूट कर रहा है तो मेरे को प्रॉब्लम होगा, बट अगर नहीं पता रहेगा तो फिर मैं बस कर सकता हूँ। जब भी कोई अरबिक लोग आता है ना, जैसे कोई बुर्का वगैरह पहन कर ना, तो राकेशी बोलती फोन मुझे दे, क्योंकि एक बार हम लोग के साथ हुआ था, मैं शूट कर रहा था और एक लेडी आगे बोल रही है नो रिस्पेक्ट, वाई आर यू शूटिंग द वीडियो। स्टिल मैंने उसका कुछ शूट भी नहीं किया था, फिर भी मुझे बोला। तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ ये चीज़ का, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है। अभी मैं सिटी सेंटर के अंदर आ गया हूँ और पहुँच के दिखाता हूँ, थोड़ा सामान लेना था, लेते हैं देखते हैं कुछ अच्छा मिलेगा तो आपको दिखाऊँगा आज। আজকে আমি যাচ্ছি আনসার গ্যালারিতে, আমাকে একটা শ্যুজ লাগবে, তাই জন্য আমি যাচ্ছি। শ্যুজ আর আমাকে লাগবে একটা শ্যুজ, দুইটা সক্স আমাকে লাগবে, তাই জন্য আমি যাচ্ছি। আচ্ছা বাই করতে হবে, কিন্তু আমি তোমাকে দেখাবো একটা ভালো ভালো ইলেকট্রনিক্স, আইফোন কত প্রাইসে আইফোন এখানে মিলে, তো আমি ভালো করে তোমাকে দেখাবো, ভিডিওতে বানাতে হবে। কিসের ইউটিউব ভিডিও? আইফোন নিবি? ওটা ওটা অত টাকা আমার কাছে আসে না, নেই অত টাকা আমার কাছে আসে নি, তো আমাকে লাগছে বল এটা ভালো ভালো করে এটা সফট গুলো জোরে বল, এত এটা শোনা যাবে না। আমাকে একটা মাইক লাগবে। হ্যাঁ তো মাইক কে না, একটা গলায় লাগানোর মাইক, একটা মাইক আমাকে লাগবে, ফিক্স করে দেবো ভালো করে সাউন্ড ট্র্যাক করতে, ঠিক আছে? ওখানে দেখা সুমার ভালো ভালো জিনিস, ক্লথ এর মধ্যে ভালো করে সব এভরিথিং আছে। এখান থেকে কি ফার্স্ট আমি একটা ডাউট ক্লিয়ার করে দেব, কিন্তু আমি এখন বলতে পারবো না ভালো করে বেঙ্গলি, তাই আমি ইংলিশতে ওগা কনভার্ট করতে হবে, ঠিক আছে? যদি সেন্টেন্স ওয়ার্ড আমি ভুল গপাল করবো, তাই আমি ইংলিশে কনভার্ট করে দেবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তো গাইস আমি এসে গেছি আনসার গ্যালারিতে, এটা ভালো ভালো করে ড্রেস, ইলেকট্রনিক্স এভরিথিং ইজ অ্যাভেলেবল হিয়ার। হ্যাঁ সস্তায়? সস্তা মানে চিপ, সেম লাইক দিস প্ল্যানেট। অত সস্তা নয় এটা, কতরে মধ্যে সেম এটা, কতরে ইস প্ল্যানেট। আচ্ছা
মুড়ি মুড়ি কাঁচা বাদাম সব কিছু। এই দেখো কত সস্তা রে বাবা, এটা ভালো করে সেল আছে বাবা, কত সস্তা। এটা স্প্লেনেড এর মধ্যে কি, এটা স্প্লেনেড এটা এটা দিস প্লেস ইজ কাতার স্প্লেনেড। স্প্লেনেডটা কোথায়? কলকাতার এটা ওবরায় হোটেল। কি বল, আমি বলছি কি আমার কাছে সব কিছু আছে, তো আমাকে তাহলে কিনতে এসেছিস কেন? আমাকে লাগবে একটা শুজ, তো আমি যাচ্ছি ওখানে শুজ। ভালো শুজ কিন্তু আমাদের কস্টলি, এটা অত ভালো নেই, তো প্রোডাক্ট অত ভালো নেই, কিন্তু প্রাইসটা ভালো। প্রাইসটা কত? প্রাইসটা 199 রিয়াল, এটা 4000 রিয়ালের শুজ। 4000 রুপিস। হ্যালো আমা, হুয়া উইল চেক। ভালো নিয়ে নেব আমি। কত টাকা? কত টাকা? দিস আইটেমস নট ইনক্লুডিং প্রমোশন। কত টাকা? ডিসকাউন্ট নেই ওতে। হ্যাঁ, 129 রিয়ালে বাবা, কত। হাওয়াই চটি নিবি? ভালো শুজ। হ্যাঁ, কত টাকা বাবা গো? এটা 100 রিয়াল, 2000 রুপিস। 2000? ঠিক আছে না? ঠিক আছে, কিন্তু আমাকে লাগবে 23 রিয়ালের মধ্যে শুজ। 23 রিয়ালের অফার চলছে? কোথায় গেল আমি জানি না। একটা সময় আমি আসে এখানে, ভালো করে আমি তুলে দিয়ে। অভি কে সিন হুয়া কি, যে চিজ মেয়ে শুজ শুজ ঢুঁড় রা থা ও শুজ মুঝে মিলা নেই, তো মানে যা রা হুঁ ফির সে ম্যাক্স মে, আর ম্যাক্স মে দেখতা হুঁ ম্যাক্স মে মিলতা হ্যায় কি নেই মিলতা হ্যায়, কিউকি আনসার গ্যালারি মে জো মে ঢুঁড় রা থা ও অফার পে চল নেই রা হ্যায় আর উতনা কুছ খাস লাগা নেই, তো একবার ম্যাক্স জাকে দেখ লেতা হুঁ ম্যাক্স মে মিলতা হ্যায় কি নেই মিলতা হ্যায়, দেখতে হ্যায় ম্যাক্স মে মিলেগা তো ফির আচ্ছা রহেগা, লাইক টাইম জ্যাদা ওয়েস্ট নেই হোগা, উসকে বাদ ফির জায়েঙ্গে খাওস খানে পিনে। और ये भी अपना टाइम पास करने आई, इसको तो कुछ लेना वेना है नहीं, क्या लेना है तेरे को? कुछ तो लेना नहीं है। हाँ, तो टाइम पास कर रही है ये भी अपना। आज ऑफ था, मेरा तो ऑफ नहीं था, मैं तो ड्यूटी गया था, इवनिंग आया, देन अभी गया। चलता हूँ, देखता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग आता है तो दिखाते हैं आपको, अभी दिखा दूँ। बट उतना कुछ खास नहीं इनका कलेक्शन अभी, तो उतना कुछ फ़ायदेमंद होगा नहीं यहाँ पर आना अभी, क्योंकि बढ़िया चीज़ तो अभी आई नहीं है। मे बी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। গাইজ, আজকে আমার শপিং করা হয়ে গেল, আর আমি একটা শুজ কিনে নি, আর আবি তো শুজটা হয়ে গেছে, আবি বাপস জানা হ্যায়। তো তুই কি খাবি? আইসক্রিম। আইসক্রিম কে লিয়ে যা রহে হ্যায় আবি, একটু আইসক্রিম লেঙ্গে, উসকে বাদ ফির তারপর আমি যাবো রুমতে। হ্যাঁ, তো টাইমটা কত বাজে? কত বাজে? 7:24 হয়ে গেল, আমি ভালো করে রুমটে বসবো 8 or 9। অভি হম যা হ্যাঁ গ্রাউন্ড ফ্লোর পে, আর গিয়ে হম লোক আপনি লিফট পে হ্যাঁ, আর ইধার ইয়ে দেখ সকতে হো, ইসকা আইসক্রিম ইসনে লে লিয়া হ্যায়, ইতনা জবরদস্ত লাগ রহা না, পিছে কা পুরা এরিয়া পুরা মল কভার হো রহা হ্যায়, ইসমে মস্ত লাগ রহা হ্যায় না, জবরদস্ত লাগ রহা হ্যায়। মল কে বাহার আ গয়ে হম লোক, আর জো শুজ লেনা থা লে লিয়া হ্যায়, আর ইয়াহা পে মে আপকো একদম ইন্টারেস্টিং চিজ দিখাতা হুঁ, ইয়াহা পে মতলব ইয়ে দেখ সকতে হো মেরে পিছে, ये इतने सारे स्कूटर्स खड़े हुए हैं जिनको लाइक स्कैनर एक लगा होता है, इनको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद कुछ पेमेंट करनी होती है, जो पेमेंट करने के बाद आप ये स्कूटर ले जा सकते हो, यूज़ कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको एक बार इस तरह से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बारकोड दिया हुआ है, दिख रहा होगा बारकोड, ये बारकोड स्कैन करने के बाद आपको इसका पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद ये स्कूटर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब लोकल में अपना आप चला सकते हो बढ़िया। और ये वाला मुझे ब्लैक वाला फैल्कन का है, ये ज़्यादा मस्त लग रहा है,
मैंने ट्राई किया था एक बार पेमेंट करने के बाद, बट पेमेंट मेरे से हो नहीं रहा। आई थिंक कुछ इनका ऐप वगैरह है जो इनको डाउनलोड करके आईडी बनानी होती है, उसके बाद ही होता है। गाइस अभी कैसे नहीं मस्त मस्त फोटो तो उठा लिया हम लोगों ने, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक इस एरिया पे मुझे अच्छी अच्छी फोटोज लेनी थी, जो कि मैंने ऑलरेडी ले ली है अच्छी अच्छी फोटो। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर डालूंगा तो आप लोग आइडिया आ जाएगा, बट मेरे को बहुत मन था इधर एक फोटो लेने का। मतलब मैंने पहले भी लिया था, बट अभी क्या हुआ कि मतलब अभी कैमरा भी लाया था और इधर का नाइट में काफ़ी अच्छा व्यू आता है, तो मैं इधर नाइट में लेंगे। बट अच्छा फोटो आया, बट उस मतलब उतना परफेक्ट नहीं आया जितना मुझे लग, मतलब जितना मैंने सोचा था उतना परफेक्ट नहीं है, बट फिर भी मैंने उठा लिया। तो अभी वापस हम लोग जा रहे हैं मेट्रो में, और मेट्रो से वापस अपने एकोमोडेशन से, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो गया है 8:24, अभी रूम पहुँचना पड़ेगा जल्दी। और अभी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा है यहाँ पे, मेरे को इतना ज़्यादा गर्म लग रहा है, अभी सीधे मेट्रो के अंदर घुसूंगा ना पूरा एसी पूरा ठंडा चिल्ड हो जाएगा, उसके बाद से फिर रूम पे सीधे जाना है। खाना नहीं खाना, खाना जहाँ पे खाना जाए, खाना जहाँ पे खाना भी एसी चलेगा भाई। काफ़ी अच्छा है, इसको भी मैंने लॉक कर दिया है, ओपन नहीं करा है, क्योंकि मैं रखने जा रहा हूँ। इसको बाकी सारा सामान चार्जर वार्जर सब मैं लेके नहीं आया। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये मेट्रो में मैं बैठा हूँ, और ये मेट्रो पूरी खाली है, मेरे पीछे एक बंदा आप देख सकते हो वो सिर्फ बैठा है, और हम दोनों लोग बैठे हैं और पूरा मेट्रो खाली है, मतलब पूरा खाली है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने मतलब ऐसा मतलब मेट्रो उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पॉपुलर है बट उतना भी नहीं। लाइक एक रूट है जो येलो लाइन है, येलो लाइन मैक्सिमम टाइम अगर आप आओगे तो येलो लाइन खाली रहता है, बाकी सारा लाइन उतना फिल रहता है, मतलब पूरा फुल रहता है। रेड लाइन बहुत बिजी रहता है, ऑरेंज लाइन बिजी रहता है, बट येलो लाइन पूरा खाली रहता है। तो ये बेस्ट पार्ट है कि मैं येलो लाइन से ही जाता हूँ, तो मुझे बेस्ट मतलब खाली मिलती है मेट्रो, तो अच्छे से ब्लॉग व्लॉग शूट कर सकते हैं, उतना भीड़ भाड़ नहीं रहता तो प्रॉब्लम नहीं होती है। सो अभी हम लोग पहुँचने वाले रसा बोपो से हम अपने रूम पर निकल जाएंगे। सो अभी तो इतना ही रहेगा, फिर देखते हैं कुछ खाने पीने का कुछ देखेंगे। কি বলছিস, আমি ভুলে গেছি নেই, আমি বেঙ্গলি বলতে পারো, কিন্তু কত কনফিডেন্স আমাকে আমার বেঙ্গলিতে হয়ে নেই, তাই আমি হিন্দিতে বলছি, ঠিক আছে। সো মানে ট্রাই কিয়া ফার্স্ট মে, বাট লাইক কনফিডেন্স নেই থা উতনা মেরে পাস কি মে পুরা ব্লগ শুট কর সকুম, ইভেন বহুত জ্যাদা গন্ড কো পাল হো জাতা ইসমে, সো বেটার হ্যায় হিন্দি মেই বোলুম তাকি কম গালি পড়ে। ओके सो अभी मैं रूम जाता हूँ, कोई खाना ना खाते हैं, क्योंकि मैं बनाऊंगा नहीं अभी कुछ, तो कोई रेस्टोरेंट में जाएंगे कुछ खा पी लेगा, बस हल्का सा कुछ खाऊंगा मे भी, अगर मिड नाइट 12 बजे 1 बजे कुछ भूख लगी तो बनाऊंगा, अभी नहीं बनाऊंगा, अभी कुछ हल्का वल्का खा लूँगा बस। ओके सो फाइनली वी आर एट नेशनल म्यूजियम, द नेक्स्ट स्टेशन इज रसा बोपो, सो वी विल टेक अवर होम रूट और एकोमोडेशन रूट फ्रॉम देयर ओनली। खाना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, टाइम मिला नहीं कि मैं वीडियो शूट कर सकूँ, इतना भूख लग रहा था, जैसे ही आया वैसे ही टूट पड़ा, कुछ भी ब्लॉग नहीं शूट करा इसका। सो अभी फाइनली मैं रूम पे आ गया हूँ, और रूम पे आने के बाद बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, क्योंकि आज मेरा ड्यूटी भी था, ड्यूटी के बाद इतना ज़्यादा धूप भाग करना, और उसके बाद फिर वापस आना, और उसके बाद फिर कल फिर ड्यूटी जाना, तो काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो गया है आज। तो अभी ब्लॉग कहीं पोस्ट करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो। एक्चुअल में ब्लॉग मतलब जिस तरह से बनाना स्टार्ट किया था उस तरह से पूरा बना नहीं पाया, सो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बंगाली में स्टार्ट किया था बट पूरा फुल नहीं बोल पाया बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंस, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, बट स्टिल मैं ट्राई करूँगा, और अगर जब एकदम परफेक्ट हो जाऊँगा तब ट्राई करूँगा, मतलब बीच बीच में भी ट्राई करता रहूँगा। सो ये मेरे को फ्यूचर में भी हेल्प करने वाला है, सो दैट लाइक मैं ऐसे जस्ट सीखता रहता हूँ, कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, लाइक लाइफ में कुछ ना कुछ नया करते रहना चाहिए, सो दैट इज उसी के लिए मतलब जस्ट ऐसे मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ, तो अभी इस पर मेरा फोकस है। ओके सो बाय द वे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।